फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और मैं आज आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये फ़ैन जो है वो जाम हो चुका है, हम इसे फ्री कैसे करेंगे। तो चलिए मैं इसे आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ कि वो किस तरीके से जाम हो गया। ये देखिए, ये जो है फ़ैन ऑन हो रहा है लेकिन घूम नहीं पा रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो शायद बुश का है, जो हम इसे खोल के चेक करने वाले। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो ये ब्लेड खोल लेना है, ब्लेड और इसका जो ये जाली है वो खोल लेना है। इसका ब्लेड और ये जाली हम दोनों भी खोल लेंगे। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं फैन जो है बहुत ही जाम है, जो कि मैं आसानी से घूम नहीं पा रहा है। इसके बाद जो है हम इसके पीछे का कवर निकाल लेंगे। इसके बाद जो है हमें जो ये घेर का नट है नीचे वाला, वो खोल लेना है। वो खोल लेने के बाद हमें जो ये मोटर के चार नट है हम इसे खोल लेंगे। ये चारों नट जो है मैंने खोल लिए। अब हम इस मोटर को जो है आराम से खींच कर निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह जाम है, इसके अंदर जो है पूरा कचरा अटका हुआ है। हम सबसे पहले इसे साफ कर लेते हैं। इसे जो है सबसे पहले कपड़े से साफ कर लेंगे हम, आगे और पीछे दोनों तरफ से। इसके बाद जो है ये जो पॉलिश पेपर आता है उसे हम थोड़ा घस लेंगे और आप देख सकते हो इसके ऊपर भी थोड़ा काला काला लगा हुआ है, हमें वो भी साफ करना होगा। इसके बाद जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके बुश जो है आप देख सकते हो, इसका ये जो बुश है इसके अंदर भी बहुत कचरा है, इसे भी हमें साफ करना होगा। तो हम इसमें जो है कपड़ा डालकर साफ कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो है नए बुश दो निकाल लिए है। ये जो है हमारे ख़राब बुश थे, ये ख़राब बुश है, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। आपको जो है बुश पहले चेक कर लेना है कि इसके अंदर प्ले है या नहीं। ये बुश आप डालने के रॉड में डालने के बाद आप इसे साइड में हिला कर देखिए, अगर हिल रहा हो तो आपको दूसरा बुश लेना पड़ेगा। ये जो एकदम परफेक्ट है और इसी तरह आगे वाला भी चेक कर लेना, ये भी एकदम ठीक है। तो चलिए मैं इसे लगाने की कोशिश करता हूँ। इस क्लिप को जो है हम थोड़ा स्प्रेड करके इसमें बुश डालने की कोशिश करेंगे।
बुश जो है मैं इस जाली को जो है स्प्रेड करके बुश रख दूंगा और इसे फिर से लॉक कर दूंगा। ये देखिए इस तरीके से मेरा बुश जो है इसमें घुस जाएगा। ये देखिए मेरा बुश जो है लग गया है। अब इसे जो मैं है फिर से पहले की तरह दबा दूंगा। देख सकते हो आप मेरा बुश जो है पूरी तरह लॉक हो चुका है। हमारा जो काम है लगभग पूरा हो ही चुका है, तो चलिए हम इसे जो है फिट करके देख लेते हैं कि हमारा काम सक्सेस हुआ है या नहीं। आपको इसमें जो है भरपूर ऑयल यूज़ करना है। ऑयल की वजह से फैन जो एकदम फ्री घूमेगा। हम जो है ये रॉड पे थोड़ा ऑयल डाल देंगे और ये रॉड को बुश में डालकर डाल देंगे। आप देख सकते हो ये एकदम फ्री चल रहा है। इसी तरह आगे भी हम ऑयल डाल देंगे। सबसे पहले हम प्ले चेक कर लेंगे कि प्ले कितना है, उसमें वाइसर डालने की ज़रूरत है या नहीं, वो भी चेक कर लेंगे। चलिए इसमें अंदर जो है प्ले बिल्कुल भी सही एकदम सही है। इसमें जो है हम ऑयल डाल के फिट कर देंगे। आगे भी ऑयल डाल दिया है मैंने, अब इसे जो है हम फिट कर देंगे। मैं जो ये सब स्क्रू लगा देता हूँ। हमारा जो है फैन जो है फिट हो चुका है। हम इसकी जो है थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए अभी फैन जो है एकदम फ्री घूमने लगा है। मैं इसे जो है लगा कर देख लेता हूँ कि ये चल रहा है या नहीं। देख सकते हो इसमें थोड़ा जो है आवाज आ रहा है। आप देख सकते हो इसका आवाज जो है बंद हो चुका है। अब मैं इसके स्क्रू फिर से टाइट कर दूंगा। देखिए स्क्रू को थोड़ा लूज रखना पड़ेगा मुझे। देख सकते हो ये फैन जो एकदम फ्री घूमने लगा है। अगर आप इसको अच्छी तरह चेक करना चाहते हो कि फैन आपका रिपेयर हुआ है या नहीं, तो आपको बस ये रॉड जो घूमता हुआ रॉड है उसे रुका देना है और फिर से छोड़ना है। अगर वो घूमने लग जाए तो आप समझ लेना आपका जो रिपेयरिंग है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और अगर वो अटक जाए तो आप समझ लेना कि आपको और थोड़ा काम करना बाकी है। ये देखिए मेरा जो रिपेयरिंग है वो सक्सेसफुल हो गया है और इसका आवाज़ जो है पूरी तरह बंद हो चुका है। तो इसको जो है मैं अभी पैक कर लेता हूँ और पैक करने के बाद आपको बता देता हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो है पूरा पैन फिट कर दिया है। अब आपको मैं इसे ऑन करके बता दूंगा कि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ये देखिए हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो चुका है और पैन जो है वो एकदम अच्छी तरह घूमने लग गया है। इसके स्विच में जो है थोड़ा प्रॉब्लम है। ये देखिए पैन जो है फुल स्पीड में घूमने लग गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ नया इंटरेस्टिंग कुछ सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।